Welcome back, students. I'm Rafia Khan. In my first lecture, I have discussed about malnutrition. What is malnutrition? What are the symptoms of malnutrition? What are the different types of malnutrition? We discussed two types, undernutrition and overnutrition. We have followed this chart too. So today we will discuss about the causes and the prevention of malnutrition. Let's move to the next slide. Causes of malnutrition. First cause, low intake of food. We already discussed about it. कि खाना जो आप खा रहे हैं उसमें आप कम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं या कम खाना खा रहे हैं, तो आप कम खाएंगे तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स भी कम आएंगे. तो कम चीज जो आ रही है आपके अंदर वो क्या बन रहा है, आपको माल न्यूट्रिशन की तरफ ले जा रहा है. विच मीन्स लो इनटेक ऑफ फूड इज द फर्स्ट काज ऑफ माल न्यूट्रिशन. नेक्स्ट आ जाए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ डिप्रेशन हियर. डिप्रेशन अफेक्ट्स ऑन योर एपेटाइट और ये आपकी भूख पर दो तरह से अफेक्ट करता है, या तो आप बहुत ज्यादा खाते हैं या आप बहुत कम खाते हैं. तो दोनों केस में ज्यादा खा रहे हैं तो ओबेसिटी हो रहा है, कम खा रहे हैं तो आप बिल्कुल ही थिन हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, मसल्स नहीं बन रहे हैं. तो दोनों केसेस में आप कहाँ जा रहे हैं, मैलन्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया, लो इनटेक ऑफ फूड. सेकेंड, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट, सोशल एंड मोबिलिटी प्रॉब्लम्स. इसमें हम कह सकते हैं कि देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट लीव हाउस टू बाय फूड. खाना खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना है. बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं तो अकेले रहने की वजह से वो क्या करते हैं, खाना नहीं बनाते हैं या कम बनाते हैं. अगर खाते भी हैं तो जंक फूड जो है वो ज्यादा बनाते हैं, या फिर उनका स्टेपल फूड मैगी तो हमेशा होता है. तो अकेले रहने की वजह से भी जो हम नहीं खाना खा रहे हैं या अच्छा खा रहे हैं तो अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं. कुछ लोग बहुत लेजी होते हैं, बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि सोशली लोग कुछ दो लोग सोशली इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि वो ज्यादा मार्केट जाएं या ज्यादा लोगों के साथ बातें करें. तो वो उसकी एक रीजन भी हो सकता है कि इंसान जो है खाना कम खा रहा है, चीजें कम ला रहा है, या किसी को बनाना नहीं आ रहा, अकेला रह रहा है तो उसको बनाना नहीं आ रहा, तो वो कहाँ से अच्छा खाना बनाएगा. तो उसे जो भी मिल रहा है, जंक फूड मिल रहा है वही खा रहा है, या बिल्कुल बिना खाए रह रहा है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. बच्चे स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो अकेले रहते हैं तो वो कम खाते हैं, उन्हें बनाना नहीं आता, या वो बनाते नहीं है पढ़ाई की वजह से नहीं बना पाते. किसी भी रीजन की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को नहीं प्रोवाइड कर पाते. तो इसलिए जो सोशल एंड मोबिलिटी प्रॉब्लम्स है ये भी क्या है, एक काज ऑफ मालन्यूट्रिशन. नेक्स्ट, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड स्टमक कंडीशन. हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होता है तो हम कुछ भी खाएं तो हमें वो डाइजेस्ट नहीं होता है. इस वजह से लोग बहुत कम लोग खाते भी हैं, या फिर वॉमिटिंग भी प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें. तो वो लोगों का जो लोग खा ही नहीं पाते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम की वजह से उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी को अगर खाना जाता भी जो है वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व नहीं करता. कुछ लोगों में हमको लगता है कि यार बहुत खाते हैं लेकिन अफेक्ट नहीं होता, या वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, हेल्दी नहीं होते, या वेट गेन नहीं होता. वो वजह ये होती है कि वो खाना तो खा रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी में बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक इलनेस है, बिकॉज ऑफ एनी हेल्थ इशू, वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स बॉडी को ऑब्जर्व नहीं हो पाते. जब वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे तो आपको बेनिफिट कहां से देंगे. तो ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होने की वजह से, या कोई भी हेल्थ इश्यू होने की वजह से, या आपका स्टमक ठीक नहीं है इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकती है. नेक्स्ट, अल्कोहलिज्म. अल्कोहलिज्म आप जानते हैं कि शराब तो बुरी है, यह लीवर आपका खत्म कर देती है, सड़ा देती है. लेकिन अल्कोहलिज्म में अगर हम माल न्यूट्रिशन की बात करें तो वो इस तरह से होता है कि अल्कोहलिज्म हमें ना बहुत ज्यादा कैलोरीज, इट कंटेन्स सो मच ऑफ कैलोरीज. तो वो कैलोरीज जब वो हमारे बॉडी में आती है तो हमें क्या फील होता है कि वी आर फुल, वी डोंट नीड टू ईट समथिंग एल्स. तो हम क्या करते हैं कि हम उसी में खुश रहते हैं कि हाँ भाई हमें कोई भूख नहीं लग रही है. तो उस वजह से जो अल्कोहल लेते हैं वो और खाना नहीं खाते हैं, ज्यादा डाइवर्स खाना नहीं खा पाते हैं. तो उस वजह से जब और खाना नहीं खाएंगे, अच्छे से और चीजें नहीं लेंगे तो न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी को नहीं मिलता, सिर्फ अल्कोहलिज्म पर वो जी रहे होते हैं. तो वो आपकी बॉडी को तो खत्म कर रहा है लेकिन न्यूट्रिएंट्स भी आपकी बॉडी को नहीं प्रोवाइड होने दे रहा, तो वो भी क्या है, काज ऑफ माल न्यूट्रिशन. नेक्स्ट, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. ये आप सब जानते हैं कि माँ का दूध इज द हेल्दीएस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड. एक्चुअली वजह ये होती है कि इट इज ना परफेक्ट मिक्स ऑफ विटामिन, प्रोटीन एंड फैट्स. इसमें ये चीज़ ना परफेक्ट मिक्स होता है इसका, जो इंसान को, हर इंसान को जरूरत होता है. तो एक्चुअली ना द ब्रेस्ट फीडिंग इज, इट कंटेन्स एन एंटीबायोटिक्स दैट हेल्प योर बेबी टू फाइट अप द वायरसेस एंड द बैक्टीरिया.
तो इसमें एक हेल्दी न्यूट्रिएंट सारे होते हैं जो आपकी बेबी को मिलता है। जो बच्चे में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की होती, जिस बच्चे ने, वो माना जाता है कि वो बच्चा सबसे ज्यादा हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है, उसको हर छोटी बीमारी हो जाती है क्योंकि इम्यूनिटी उसकी बहुत वीक हो जाती है। तो जिस बच्चे में ब्रेस्ट फीडिंग की कमी होगी, वो भी माल न्यूट्रिशन का रीजन होगा, क्योंकि बच्चे और चीजें नहीं खाते हैं, तो इस टाइम वो हार्ड फूड नहीं ले पाते हैं, तो बच्चा बड़ा होते होते आस्ता आस्ता डाइवर्स फूड खाने लगता है। तो पहले वो डिपेंड करता है ब्रेस्ट फीडिंग पे। नेक्स्ट है हेल्थ फैसिलिटीज। अब देखिए, हेल्थ फैसिलिटीज की हम बात करें तो जो बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम, हमने पहले भी ये चीज पढ़ चुके हैं कि अगर किसी को न्यूट्रिशन की कमी है, तो अगर उसको खाने से नहीं मिल रही या खाना उसको नहीं मिल रहा है, तो आप उसको अलग से फूड सप्लीमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर आपको हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, फूड सप्लीमेंट जो है अवेलेबल नहीं है, तो बच्चा जो है वो एक कमी की वजह से, वो उसकी कमियां बढ़ती जाती हैं और वो मालन्यूट्रिशन में आ जाता है। तो ये सारे कॉजेस हैं जो मालन्यूट्रिशन के हैं। फर्स्ट हमने जो पढ़ा वो क्या है, इनटेक ऑफ ये फूड, मेंटल हेल्थ, सोशल एंड मोबिलिटी प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड स्टमक कंडीशन, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रिवेंशन पे। तो प्रिवेंशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ मेल न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ दिस मेल न्यूट्रिशन इज टू ईट हेल्दी फूड। सो यू हैव टू ईट हेल्दी फूड, यू हैव टू टेक बैलेंस्ड डाइट विच इंक्लूड्स फोर मेन फूड ग्रुप्स, दैट आर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड, राइस, पोटैटोज, पास्ता एंड अदर स्टार्ची फूड्स, एंड यू हैव टू टेक मिल्क एंड अदर डेयरी फूड्स लाइक मीट, फिश, एग्स, बीन्स एंड अदर नॉन डेयरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। पीपल नीड टू कंज्यूम अ रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फूड टाइप्स। पहले ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको माल न्यूट्रिशन से बचना है, सबसे अच्छा तरीका ये है, हर तरीके का खाना खाओ, ताकि आपकी बॉडी में हर तरह का वाइटामिन्स, हर तरीके का मिनरल्स जो है वो इंक्लूड हो जाए। नेक्स्ट, देयर शुड बी अ बैलेंस इन टेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, एज वेल एज प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड स्पेशली वाटर। अब आपको बैलेंस्ड इनटेक करना है, ये नहीं कि हर जगह बस आपको फैट्स ही फैट्स लेना है, फैट्स लोगे तो हो जाओगे मोटे। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, जो ये सब चीजें हैं, ये आपको बैलेंस्ड लेना है, ये नहीं कि बस कार्बोहाइड्रेट्स लेते रहना, ये नहीं कि सिर्फ प्रोटीन्स लेते रहना। तो आपको आपका आपको जो आप जो खाना लेते हैं, जो आप खाना खाते हैं, तो आप ये सोच के खाएं कि मेरे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मेरे खाने में फैट्स हैं, क्या मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, क्या मैं विटामिन ले रहा हूँ, क्या मैं मिनरल्स ले रहा हूँ, ठीक है ना। वाटर इज आल्सो एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, डोंट फॉरगेट दैट। फीडिंग माल न्यूट्रिशन ऑन द अदर हैंड ऑफन इन्वॉल्व्स मोर इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोचेस। वो कैसे, इफ समवन यू नो इज अंडरनरिश्ड, टॉक टू अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। आपको लगता है कोई अंडरनरिश्ड है, तो आपको डॉक्टर से उसके लिए बात करनी है। प्रॉपर एजुकेशन टू पीपल रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। आपको लोगों को ये बताना है कि क्या खाना है, किस तरह खाना है, कौन सा खाना सही है, कौन सा नहीं खाना, ठीक है ना। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स टू प्रोवाइड हेल्थ फूड्स टू इन्फेंट्स एंड प्रेगनेंट वुमेन। वुमेन्स को भी चाहिए क्या, किस तरह से जो प्रेगनेंट वुमेन्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक हेल्दी फूड प्रोवाइड कर सके। स्टेपल फूड शुड बी अवेलेबल एट वेरी चीप रेट। जो लोकल फूड होता है वो हमेशा चीप रेट में मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग माल न्यूट्रिशन की वजह तो गरीबी सबसे पहले है, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे खाना, बेसिक खाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो कैसे जिएंगे, माल न्यूट्रिशन तो उनके यहाँ कम है। तो इसीलिए स्टेपल फूड जो होता है, जो लोकल फूड, एटलीस्ट उसको चीप रख दिया जाए कि हर कोई उसको खरीद सके। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल मेजर, और जितनी भी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए कुछ मेजर लिए जाएं, और पब्लिकली जो ग्लोबलिकली जो है ये पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखा जाए। यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कभी कोई इसी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है, इसी वजह से खाने की कमी होने की वजह से भी माल न्यूट्रिशन रह जाती है लोगों में। तो जरूरी है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, थैंक यू।